जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेल तक में। दोस्तों आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको RRB NTPC 2019 की जो वैकेंसी हुई थी उसके जो CBT 1 एग्जाम था उसके हम एक पार्ट यानी कि दो पार्ट करा चुके हैं, जिसके एक पार्ट में हम 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए। आज उसके सेकंड पार्ट में ही हमने 50 से 100 क्वेश्चन कराए थे। एक आंसर की हमने आपको वो कराई थी और आज एक आंसर की और लेकर आए हैं जिसमें आपको 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, क्योंकि उनके लिए 90 मिनट 100 क्वेश्चन होते हैं CBT 1 के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ही क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें GK GS मैथ रीजनिंग सभी क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बेलास्टिक मिसाइल कौन सी है? तो ये कौन सी है? अग्नि 5। तो अग्नि 5 इसका राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? किसको आर्कटिक हरितकरण का जो जिम्मेदार है वो ठहराया गया है? तो किसको ठहराया गया है? ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अधिक टेम्परेचर हो जाना। तो जो अधिक टेम्परेचर हो जाना पृथ्वी के नॉर्मल टेम्परेचर से उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं जिसमें कुछ कोनों पर और कुछ उनके मध्य भाग पर बैठे हैं, यानी कि 4 उनके कोनों पर और 4 उनके मध्य भाग पर बैठे हैं। जो कोनों पर बैठे हैं उनके मुंह केंद्र से बाहर की ओर और जो मध्य में बैठे हैं उनके केंद्र केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इसमें आपको बताना है, ये आपको सोल्व करना है, उसका सोल्यूशन मुझे बताना है। तो इसमें बताना है आपको कि बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यदि बी यहां पर बैठा है तो इसका जो दायां होगा दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि इस साइड ये दूसरा स्थान होगा, 1 2 यहां पर कौन बैठा है तो वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर एफ रहेगा। आप इसको सोल्व करें, वीडियो स्किप करके रोक के वीडियो। अब बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 4। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये माना उसका जो बजट है यानी कि 100 रुपये है, उसमें क्या हुआ 25% की गिरावट होगी उसके मूल्य में। जो चीनी का मूल्य है वो 100 रुपये है, 25% की गिरावट होगी। अब मूल्य कितना हो गया? 75 रुपये हो गया। अब यदि वो पैसे सेम खर्च करे जितने पैसे वो पहले खर्च कर रहा था और कितने कितने प्रतिशत की उसके उपभोग में वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितने की हो जाएगी? 25/75 × 100। तो 25 × 75 और ये कितना कर जाएगा? 100/3। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 33/1/3% राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर लेते हैं। 6 में कहा गया है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस काल यानी के किस काल की कलाकृति है? तो ये किस काल की है? मुगल काल की। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहा गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से यानी कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, जिसमें लंबाई चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर कम है, तो मैदान का परिमाप बताना है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जिनका अनुपात 6:5 दिया है। अब इसने कहा कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 25 सेंटीमीटर कम है, पर अनुपात में देखने को मिल रहा है कि 1 कम है, वहां पर कहा है कि 25 कम है। इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब हमें बताना है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 × L+B। यदि हम इसकी गुणा 25 की इसमें करें और 25 की 5 में करें तो 25 कॉमन रहेगा, तो 2 × 25 दोनों में कॉमन है। L+B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितनी? 6 और ये कितनी? 5। तो 6 × 5 11।
गुणा करेंगे तो आपका 25 दूनी 50 और 50 की 11 हम करेंगे तो 550 आपका राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहा गया है कि 7, 8, 6, 3, 9, 1 में 8 के आंकिक मान बताना है। तो जो 8 का आंकिक मान है यानी फेस वैल्यू वो बतानी है आपको, तो क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहा गया है कि किसी विद्यालय में कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें स्थान पर और नीचे से 32वें स्थान पर रखा गया है। विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या बतानी है। तो एक स्कूल है यानी कि एक विद्यालय है जिसमें टोटल टीचर्स की संख्या आपको बतानी है। जो केमिस्ट्री के टीचर है उनका स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 32वां है। तो आपको टोटल टीचर बताने हैं। तो टोटल टीचर के लिए क्या करेंगे आप, यानी कि टोटल बराबर हाइट एंड बॉटम प्लस, जैसे ये ऊपर का स्थान हाइट, नीचे बॉटम, इनके ये मध्य भाग बेस और माइनस वन। ऊपर से स्थान कितना है इनका, 11वां, नीचे से कितना है, 32 माइनस वन। तो 32 11 43 माइनस 1 बराबर 42 राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का घटक है। तो ये कौन सा है आपका, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का घटक है। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं 11 में, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों प्रतिस्पर्धा कोचों को दिया जाता है। जो जब सभी जो खेल के कोच होते हैं उनको जो मिलने वाला अवार्ड है वो कौन सा है, वो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में रेलवे के पूछा जाता है। इस वीडियो में बात करते हैं हम कि आज हम इसमें 1 से 50 तक के क्वेश्चन ही कराएंगे। इससे पहले कि हम एक आंसर की करा चुके हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन के साथ देखते हैं। बेंगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका जो उद्देश्य था वो कीट प्रतिरोधी बनाना, यानी कि उस पर कोई भी कीट ना बैठ सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा गया है कि बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। तो केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को जो ऋण देता है उसको क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ लेता है। यानी कि अगर 10 रुपए के यानी कि 100 रुपए के संतरे, इसको ऐसे कर सकते हैं, 130 का यानी कि लाभ हुआ उस पर, कितने का, 100 रुपए पर। तो 1 0 से 1 0 कटी, 10 रुपए पर कितना मिला, 13 रुपए। यही तो हमें पूछा कि 10 संतरों पर कितने मिले, तो 13 रुपए का उसको क्या हुआ, संतरे 1 रुपए में खरीदे इसने। यहाँ पर 1 रुपए में 10 संतरे खरीद रहा था और यहाँ पर कितने खरीदेगा, 13। तो 13 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको करें, सोल्व करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि x के 35% का 35% बराबर x का कितना परसेंट है। तो x के 35% का 35% ही x का कितना परसेंट है, माना x का y परसेंट है, तो y बटे 100 आ जाएगा आपका। इस प्रकार इस 100 से ये 100 कटा और ये 35-35 आपका कितना हो जाएगा, इस x से ये x कटा, तो 35-35 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12-25 और नीचे क्या है आपका 100। तो जब हम 100 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, 12-25 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि 17 में कहा गया है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की घोषणा करती है। तो कितनी फसलों के लिए, 22 फसलों के लिए। तो 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश करती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। 18 में कहा गया है कि
राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। देखिए, राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो रिटायर होते हैं प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य, इसीलिए नए सदस्य बनते हैं, रिटायर होते हैं नए बनते हैं, तो ये कभी भी भंग नहीं होता है, ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में कहा गया है कि 36 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो इसके 3 का स्थानीय मान यानी पहले के 3 का निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, 3 के बाद जितने अंक है उतने ही 0, तो 1 2 3 अंक है तो 3 0, लास्ट का जो 3 है यानी कि 36 है उसमें 3 है तो 3 के बाद भी 0। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 30, तो 30 30 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 में कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल संविधान के किस संविधान मतलब अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित, 356 से। तो 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं, जिसमें एक 352 के अनुसार लगता है, दूसरा 356, और ये हो जाएगा 360। एक जो युद्ध बाह्य आक्रमण यानी किसी मतलब देश द्वारा या किसी पड़ोसी देश द्वारा आक्रमण कर लेने की स्थिति में ये लगाया जाता है। ये सशस्त्र विद्रोह जो मतलब सशस्त्र ये होता है, जैसे कि किसी राज्य में या किसी भी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें किसी प्रकार के जो उल्लंघन होता है, जो कानूनी उल्लंघन होता है, उसके लिए वहां पर ये लगाया जाता है, और ये वित्तीय आपात के लिए लगता है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा। तो ये आपके 3 आपात होते हैं, इनको जो लागू करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 में, 21 में कहा गया है कि एक ये दिया गया है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 का जो हिंट है वो आपका 13 65, 27 का 28 17 है, आपको 43 का बताना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करें और कमेंट में इसका सॉल्यूशन भी भेजें। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का एक घटक है, तो मेमोरी, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में कहा जाता है कि 2.6 वर्षों को आप महीनों में और दिनों में कैसे लिख सकते हैं, 2.6 वर्षों को, तो ये लिखा जाएगा 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 24 भी सेम एक पहले क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें 20% की कमी उसमें 25% की थी, सेम वही प्रश्न है, आप इसको सोल्व करें और कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 में कहा गया है कि वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई, तो इसमें से किसकी शुरुआत की गई थी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, तो इसकी जो क्या नाम है, इसके अंतर्गत शुरुआत की गई थी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, जो मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको कि जैसे टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा बराबर रूट 3 दिया गया है, आपको बताना है इसमें कोट थीटा का मान बताना है, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर से √3 - 1, टेन थीटा का मान कितना आ गया, √3 - 1। अब जी √3 cot θ - 1 है, तो सब बराबर से उधर भेज देंगे तो ये कितना जाएगा 1, या इसको बराबर भी ना करके हम माइनस ही रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये √3 सेम रहेगा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यानी कि टेन थीटा को 1/cot θ लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम कोट थीटा का मान निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा बराबर 1/√3 - 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं √3 - 1। अब इसको जो सोल्व करके जो आंसर आएगा आपका √3 + 1 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करें, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर, इसमें कहा गया है कि
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वच्छ भारत मिशन के ये किया गया है। देखिए दोस्तों, मैं इसमें इतना टाइम नहीं लेना चाहता इसमें सॉल्यूशन सारे करूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन इसमें कराने हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कम समय में और अधिकतर इसमें देख सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में किस योगदान के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के संबंध में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो एल्पस जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है आपकी? स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 में कहा गया है कि 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगी? तो ये किससे विभाज्य होगी? हमेशा यानी कि a+b से, यानी कि a+b से, यानी कि 41 + 43, तो 3 और 1 4 और 4 4 8, तो ये हमेशा 84 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में कहा गया है कि एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये राशि जमा करता है, यदि ब्याज 6 माही आधार पर देय है, तो परिपक्व राशि कितने वर्ष, यानी कि उसमें कितनी राशि प्राप्त होगी उसको? तो आपको जो रेट इंटरेस्ट दिया है वो आपको आर का मान कितना दिया है? 10%। वर्ष कितना दिया यानी कि टाइम कितना दिया है आपको? ये दिया है आपको 2 वर्ष का, पर वर्ष क्या है इसमें? 6 माही है, तो इसमें चार जो हम लेंगे 4 पॉइंट ले जाएंगे इसके, यानी कि ऐसे देखा जाए 4 पार्ट में, यानी कि यहाँ पे 6 महीने के लिए ये, 6 के लिए 1 साल और 6 के लिए 6 के लिए ही ये, तो 6 6 महीने के लिए 4 आपको करना है। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, तो 16,000 रुपये की टोटल राशि है, 16,000 की टोटल राशि है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा 1 प्लस मूलधन गुणा इनके P·1 + R/100 की पावर n या t, यानी कि समय जितना भी है वो। अब बात कर ली जाए ये कितना है? 16,000, और 1 प्लस दर कितनी है आपकी? दर है आपकी 10/100 की पावर 4, क्योंकि 2, जब हम 6 मई होता है तो उसमें क्या करते हैं? समय की गुणा कर लेते हैं, जैसे 6 मई है तो 2, और इसमें दर में भाग कर देते हैं, तो 0 से 0 कटी, नीचे बचा 20, तो 20 और 1 21, यानी कि 16,000 × 21/20 और इसकी पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 16,000 × 21 का होता है 441 × 441/20, ये हो जाएगा 400 × 400, तब ये 3 जीरो कट जाएगी नीचे से, और 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो ये 441 × 441/10, तो इसको सोल्व करके जो आपका आएगा वो आएगा 19,448.1, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बहुत शॉर्ट मेथड है, उनसे भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट मेथड क्या है कि जैसे ये 2 वर्ष के लिए है, पर 6 मई में आपको मैंने बताया कि चार चार बार इसको चुकाना पड़ेगा इसका ब्याज, तो 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष के लिए 10% है, तो हाफ वर्ष के लिए यानी कि 6 महीने के लिए कितना होगा? 5%, और 5% कितना होता है? 20, और 20 पर कितना मिलता है इसको? 1 का लाभ, यानी कि 20 पर 1 ब्याज मिलता है, तो 1 का मतलब क्या हुआ? यानी कि 20 पर इसको मिलेगा 21 रुपये, इस प्रकार ये कितनी बार मिलेगा? 4 बार,
तो चार की पावर, ये पावर हो जाएगी चार, तो इसको अब हम निकाल लेंगे, तो यानी कि ये एक 441 गुणा 441, और ये हो जाएगा 400 गुणा 400। अब इसकी जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 16,000 रुपये। तो 2 जीरो से 1 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 4 चौक 16, ये कितना बचा 10। अब 10 नीचे इसके चले जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आपका 19,448 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा गया है कि बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया, तो ये किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखते हैं। 33 में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 3 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जैसे ये दिया है कि एक्स माइनस 3 से क्या करना है, विभाजित, तो एक्स का मान इसे उधर लेते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3 के आ जाएगा। तो जहां पर भी एक्स है वहां पर 3 रख देते हैं, तो यहां पर रखेंगे तो 3 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 होते हैं 27, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 होते हैं 27 81, प्लस पावर 3 रखेंगे तो 3 3 होते हैं 27, माइनस 3 3 9, प्लस 3 माइनस 1, तो अब इसको जोड़ेंगे प्लस 1, तो 27 और 81 आपके हो गए 108, और 108 और ये हो जाएगा आपका 3 108 और 3 कितना हो गया 111, और 112, 112 में से 9 गए आपके, 103 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा गया है कि दो समबहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि पहले बहुभुज के प्रत्येक कोण 140 है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, तो 160 इसका राइट आंसर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में दिया गया है कि सभी डेस्क बैग हैं और कुछ बैग तकिए हैं, कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, तो आपको बताना है कि कुछ डेस्क तकिए हैं कुछ, तो जैसे अब मैं इसका बनाऊं फिर, तो सभी डेस्क, यदि ये डेस्क है तो सभी डेस्क क्या है, बैग है, तो सभी डेस्क क्या हो जाएगी आपकी, बैग हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार कुछ बैग तकिए है, अब इनमें से ही कुछ बैग क्या हो जाएंगे, तकिए हो जाएंगे, तो कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, तो कुर्सियां क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा राइट आंसर आपका, न तो ए और न ही दो निष्कर्ष अनुपालन करता है। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में कहा गया है कि उत्तरी ध्रुव ज्योतिष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योति है जो उससे संबंधित आपका कौन सा क्वेश्चन सही, तो इसमें दक्षिण प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है, किस प्रकाश के रूप में, दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 37 में कहा गया है कि काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, जो दक्षिण भारत का पठारी भाग है उसमें इसकी अधिकता पाई जाती है, इसके लिए जो अच्छी फसल है वो आपकी कपास और चावल रहती है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की परतों का, तो सबसे पहले क्या आता है, सौम मंडल, उसके बाद क्या होता है आपका समताप मंडल, फिर बरहिम मंडल, फिर आयन मंडल, और लास्ट में क्या होता है, मध्यम मंडल, तो ये इस प्रकार आपके होते हैं। तो सौम मंडल में आपकी बारिश घटनाएं होती है, समताप मंडल में आपके जो ये होते हैं जहाज ये उड़ते हैं, बरहिम मंडल में आपके जैसे सैटेलाइट वगैरह या और ये ऐसे छोड़े जाते हैं, तो इस प्रकार इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में देखते हैं, 39 में कहा गया है कि दल दल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ये होती है मीथेन CH4, तो मीथेन गैस इनसे निकलती है। क्वेश्चन नंबर 40, 40 में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले एक्स की आयु 5 वर्ष थी, उसकी आयु वाई की आयु की आधी है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 वर्ष पहले जो एक्स की आयु थी वो 5 थी, जो कि वाई की आयु का क्या थी,
तो भाई की आयु 10 रही होगी। उस समय जेड की आयु अपने भाई पी से 8 वर्ष कम थी, जेड की आयु उस समय 18 थी। तो जेड की आयु कितनी बताई इसने, 18 थी, उसके भाई से उसकी 8 कम थी, यानी कि भाई की कितनी होगी आपकी, 26 होगी, जबी तो उसकी 10 कम थी, 26 नहीं सॉरी, ये आपकी कितनी 18 होगी, 26। तो वर्तमान जेड और पी के वायु का अनुपात आपको बताना है, तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, 41 में कहा गया है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज शामिल किए जाने चाहिए। तो तर्क देखते हैं कि हाँ, क्योंकि टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, बात सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट का नहीं, क्योंकि जो दर्शक है वो तेज तेज गेंदबाज को देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं, तो केवल एक ही पुष्टि करता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 में कहा गया है कि ये दिया गया आपको एक, इसको सोल्व करना है, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखते हैं कि पॉइंट 6 को 3 बार लिखा हुआ है, पॉइंट 7 को भी 3 बार, और यहाँ पॉइंट 6 को दो दो बार, और पॉइंट 7 को, यानी कि ये देखा जाए तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, और नीचे बन रहा है ये ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इसको सोल्व, इसका फॉर्मूला खोल ले, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और नीचे ये सेम है तो इससे क्या कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, यानी कि ए कितना है 0.6 और बी कितना है आपका 0.7, तो जोड़कर कितना आएगा 13, तो 1.3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहा गया है कि कोस एक्स माइनस वाई बराबर √3/2, तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1, तब एक्स के मान बताने हैं आपको। तो ये कोस एक्स माइनस वाई का जो मान दिया है आपको वो कितना दिया है, √3/2, और साइन एक्स प्लस वाई का मान जो दिया है आपको 1 दिया है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो कोस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है कोस 30 की, तो ये किसकी होती है, कोस 30 की, और साइन में एक वैल्यू किसकी होती है, वो होती है 90 की। तो हम इसको कंपेयर करें तो कोस से कोस हट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 30, और एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 90। अब हमें एक्स और वाई के मान निकालने, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा के 2 से भाग देंगे, तो 9 3 12, यानी कि 90 प्लस 30 आपका हो जाएगा 120, 2 से भाग देंगे तो ये कितना जाएगा 60, तो एक्स का मान कितना आया आपका 60, एक बार घटाएंगे तो 90 में से 30 गया, कितना हुआ आपका, यानी कि 60, और 60 को जब 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 30, तो वाई का मान कितना है आपका 30, तो एक्स वाई के हमें मान बताने थे। क्वेश्चन नंबर 44, 44 में कहा गया है कि वह छोटी छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 39 94 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो किस किस से विभाजित हो रही है, 2 6 4 और 3, एलसीएम कितना होगा इनका 12, कितना हुआ 12, तो हमको 34 34 96 को क्या करना है, 12 से भाग देनी है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचा 10 बचा आपका, 9 उतारा और 12 में 108, 108 तो कितना बचा ये आपका 1 बचा, फिर 16 उतारा तो 12, 12 एकम 12 यानी कि 4 बचेगा, तो अग कितना चल सकता है, तो 12 दूनी 24 में, तो 2 बार चलाएंगे तो कितना चलेगा 24 में, और 24 के बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यदि हम पूरी संख्या में 8 जोड़ ले तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो 8 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा।
मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में आया था? तो ये किस काल में आया था आपका, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, यह आया था दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 46, 46 में कहा गया है कि भारत सरकार की क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। एक कथन है, इसकी धारणा है कि क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, ठीक है, ऐसा नहीं, फुटबॉल भी है, अन्य गेम भी है। तो इसमें अगला पॉइंट कहा, क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिक सहायता मिलती है, तो ये बात है कथन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्रिकेट को ज्यादा प्रोत्साहित कर दे, तो सेकंड धारणा क्या रहेगी आपकी, सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 47, 47 में कहा गया है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख महिला महिलाओं का सेक्स हार्मोन है, तो ये कौन सा है, एस्ट्रोजन और टेस्टेरॉन पुरुषों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, 48 में कहा गया है कि कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित है, तो ये एक क्या था, जलीय जहाज था जो स्वतंत्र सेनानी लेकर निकले थे, जो बजबज नामक बंदरगाह पर रुका, जिनके साथ हाथापाई, उनमें कुछ जो क्रांतिकारी वो शहीद हुए और कुछ को गंभीर चोट भी आई थी। क्वेश्चन नंबर 49, 49 में कहा गया है कि ये दिया गया है कि लकड़ी फर्नीचर कुर्सी, यानी कि जो फर्नीचर है उसके अंदर ही लकड़ी क्या आती है, यानी कि लकड़ी के अंदर क्या आता है, फर्नीचर, तो यानी कि अगर बाहर लकड़ी है तो अंदर क्या हुआ, फर्नीचर, और फर्नीचर और लकड़ी दोनों से क्या बनती है, कुर्सी, तो इसका जो आपका वेन आरेख रहेगा वो रहेगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें कहा गया है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेल खेत की फसल को 22 दिनों में काटते हैं, 9 पुरुष और 18 महिला इसको कितने दिन में काटेगी, तो या तो 15 पुरुष यानी कि 15 मेल या 25 फीमेल इस काम को इतने दिन में करती है, तो 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, तो एक मेल की बात कर ली जाए तो एक मेल आपका 5/3 फीमेल के बराबर है, ठीक है, और ये कितने दिनों में करता है इस कार्य को, तो ये करता है इसको 22 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी कि 22 दिनों में करते हैं कितने पुरुष, 15 पुरुष या 25 महिलाएं, यदि हम पुरुष लेते हैं तो 15 और एक पुरुष की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 5/3 फीमेल के बराबर है, ठीक है। अब 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणा 25, इतना काम है, और करना किसको है ये, यानी कि 22 गुणा 25, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 22 गुणा 25, तो ये टोटल आपका काम है 22 गुणा 25, इसको करना किसको है, 9 पुरुष, 9 पुरुष का मतलब क्या हुआ, 9 गुणा 5/3 फीमेल प्लस 18 फीमेल, कितने दिन में करना है इसको, एक्स दिन में, तो 3 दिया 9, तो 5 दिया 15, 15 प्लस 18 फीमेल, तो 15 ही और 18 ये होगी, ये किसने दिन में करती है इसको, एक्स दिन में करती है, तो 22 गुणा 25/15 और 18 कितना हो गया, 8 और 5 13, और 1 और 1 2 और 1 3, और कितने दिन में, एक्स दिन में। अब इसको सोल्व करते हैं, 11 दूनी 22, 11 दिया 33, तो 25 दूनी 50/3, और 50/3 आ गया ये, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 सही 2/3 आपका लिख सकते हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपको, 16 सही 2/3 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में बताएं कि हम किस पर वीडियो बनाएं। तो ये आज की वीडियो थी, धन्यवाद।